अगर आप भोजपुरी की ताजा खबरों को देखना चाहते हो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। फिर मनोज तिवारी कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा में वापस। यहाँ हम बात करें वही मनोज तिवारी की, जो दिल्ली के सांसद, अब वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वापस आने वाले हैं और एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म के साथ। तो चलिए आपको बताते हैं। मनोज तिवारी की बात की जाए तो दिल्ली के सांसद होने के साथ काफी ज्यादा मीडिया में छाए रहते हैं, हर तरफ भोजपुरी फिल्मों को लेकर करारा जवाब देते ही रहते हैं मनोज तिवारी। लेकिन इस बार वो भोजपुरी फिल्मों में फिर से वापस आने वाले हैं। मनोज तिवारी भोजपुरी नहीं बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो भोजपुरी फिल्म में आ रहे हैं। फिल्म का नाम है यादव पान भंडार, जिसका दो पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। यादव पान भंडार नाम सुनते ही पता चल जाता है कि फिल्म काफी शानदार होने वाली और एक बिल्कुल भोजपुरिया पर फिट बैठने वाली फिल्म बने, जो कि काफी शानदार फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अजय कुमार, इस फिल्म के निर्माता हैं पायल दुबे, को प्रोड्यूसर हैं अविनाश सिंह राठौर। फिल्म में मनोज तिवारी एक पान वाले का किरदार निभाते नजर। फिल्म काफी बेहतरीन है और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर कंपनी यश म्यूजिक से इसके सभी गाने और ट्रेलर रिलीज किए जाएंगे। देखते हैं आखिर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना ज्यादा धूम मचा पाती, क्या मनोज तिवारी दोबारा से भोजपुरी दर्शकों के बीच छा पाते हैं या फिर नहीं। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मनोज तिवारी की फिल्म को लोग ना देखें, क्योंकि बहुत ही दिन से लोगों के मन में ये आशा थी कि जल्द से जल्द दोबारा से किसी फिल्म में नजर आए हमारे मनोज तिवारी।